48 to the power x है क्या? 48x 48x है ये, 48x। वो x को ऊपर लिखा था। अरे यार आज इस क्वेश्चन में 3 बार बता चुका हूँ, कहाँ रहते हो तुम लोग? तो यहीं पर रहते हो तो फिर सुनते क्यों नहीं हो? जब ये क्वेश्चन लिखा था तब भी कहा था कि x रह गया, चलो x 48 के साथ x था साइड में रह गया, तो वो यहाँ लिख दिया था, यहाँ पर x भी है। फिर कार्तिकेय ने पूछा था तब भी मैंने बताया था कि ये 48, ये लिखा देखो, ये 48 के साथ x है। कहाँ ध्यान है अनिरुद्ध, दो दो बार जो चीज डिस्कस हो गई उसका भी ध्यान नहीं है। f(x) क्या आएगा? सर 12x³ - 24x² + 24x - 48। ये f(x) आ गया, 12x³ - this f(x), 12 यहां से कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लो, क्या बाकी बचेगा? x³ - 2x² + 2x - 4। ठीक है, x³ - 2x² + में 2x - 4। क्यूबिक टर्म है, क्यूबिक के रूट कैसे फाइंड करते हैं? क्यूबिक के रूट कैसे फाइंड करते हैं? क्यूबिक का एक रूट तो हिट एंड ट्रायल से निकलता है, ठीक है? क्यूबिक टू का एक रूट कैसे निकलता है? हिट एंड ट्रायल से हिडन निकालो, हिट एंड ट्रायल और से इसका एक रूट निकालो, बताओ क्या इसका रूट आ सकता है? टू आएगा, टू टू है। टू डालेंगे तो ये 8 हो गया, ये 2 2 4 - 2 - 8 हो गया, 2 डालेंगे तो ये 8 हो गया, नहीं -4 हो गया, +4 और ये -4, 0 आ रहा है। एक रूट हिट एंड ट्रायल से 2 आ रहा है। फिर हम पुट करेंगे f(x) = 0, तो क्या आ जाएगा? 12 x³ - 2x² + 2x - 4 = 0। ठीक है, दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या बन गया, x³ - 2x² + 2x - 4 = 0। हिट एंड ट्रायल से आपने निकाला कि x = 2 इसका रूट है, तो x - 2 = 0 इसका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा, ठीक है? x - 2 से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया, क्या आ गया? x² तो ये हो जाएगा x³ - 2x² यही होगा, प्लस प्लस नहीं सॉरी ये माइनस, ये कैंसिल हो गए, क्या बचा? 2x - 4, तो किस पे डिवाइड होगा? +2 पे, 2x - 4 माइनस प्लस 0 आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारी टर्म थी इसको क्या लिख सकते हैं? x - 2 × x² + 2 = 0। बट इससे तो कोई रियल रूट्स आएगा नहीं, x² + 2 = not equal to 0, तो हमारा जो पहले वाला रूट था x = 2 वही रहेगा, नया तो यहाँ से हमें कोई रूट नहीं मिलेगा, ठीक है? हमें यहाँ से कोई नया रूट नहीं मिला, जो पहले रूट था वही रहेगा बस। अब इंटरवल कितना दिया हुआ था? 0 से 3 का, तो 3 पॉइंट आ गए यहाँ पर, 2 तो इंटरवल के एंड पॉइंट और 1 क्रिटिकल पॉइंट। एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहाँ एग्जिस्ट करता है? या तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं? जो f(x) को 0 रखने से आते हैं, या इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे, ठीक है? एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा कहाँ एग्जिस्ट करता है? या तो इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, या फिर कहाँ एग्जिस्ट करता है?
जहां पर एफ डैश एक्स जीरो आता है, राइट, जहां एफ डैश एक्स जीरो आता है वहां एग्जिस्ट करता है, या फिर इंटरवल्स पे यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, सबसे क्या पहले इंटरवल्स हम यहाँ पे क्या होंगे, इंटरवल यहां से जीरो से थ्री, इंटरवल यहां पर जीरो से जीरो थ्री और टू, तो हम एफ ऑफ टू के वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालनी होती है, किसकी वैल्यू निकालनी होती है, फर्स्ट फंक्शन की, फंक्शन की, फर्स्ट फंक्शन नहीं फंक्शन की, मतलब कैलकुलेशन से पहले फंक्शन क्या था, फंक्शन था हमारा थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स फोर माइनस एट एक्स क्यूब प्लस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टी एट एक्स प्लस फोर्टी फाइव, ये फंक्शन फंक्शन था हमारा, फंक्शन की वैल्यू निकालोगे टू पे कितनी आएगी, निकालो जरा टू पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, ये कितना हो गया सिक्सटीन इंटू थ्री फोर्टी एट माइनस एट एट जो सिक्सटी फोर प्लस फोर्टी एट माइनस नाइन्टी सिक्स प्लस फोर्टी फाइव, करो कैलकुलेशन कितनी आ रही है, जान का चला गया और आपने वो प्लस क्या लिखा है कहाँ पर F2 में, मतलब 48 माइनस 64 प्लस 48 माइनस 96 प्लस 45, तो हमने क्वेश्चन रॉन्ग कॉपी नहीं किया, वो प्लस 25 होना चाहिए लास्ट में, 25 होना चाहिए था, बस क्वेश्चन में 25 दे दो, 25 कर दो, निकालो F2 की वैल्यू क्या है, ऐसा गलत नहीं हो क्या, नहीं 25 भी है ठीक है, इसमें तो फंक्शन की वैल्यू निकालो, तो माइनस 39 आ रहा है, माइनस का 39 आया, ठीक है, और कहाँ निकालेंगे इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे, एफ जीरो निकालो, एफ जीरो तो 25 ही आ जाएगा, एफ ऑफ थ्री भी निकालो, निकालो एफ थ्री कितना आएगा, करो जल्दी करो, सर 16 आ रहा है मेरा, 16 आ रहा है, अच्छा यस सर मेरा भी, ओके 16, तो बताओ इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 25 और मिनिमम क्या है 39, ठीक है, देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमा कितना है, या फिर लिख दो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज कितनी है, 25 है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, कहाँ पर वो मैक्सिमम वैल्यू, जीरो पे, और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, माइनस 39 एट कहाँ पर है वो, एक्स इज इक्वल टू टू पे, मिनिमम वैल्यू टू पे है, मैक्सिमम वैल्यू, समझ गए, समझ गए,
ऐसे करना। नेक्स्ट इज एट क्वेश्चन, क्या इसमें एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल जीरो से टू पाई, इंटरवल दिया जीरो से टू पाई का, दस फंक्शन साइन टू एक्स, एफ एक्स क्या है साइन टू एक्स अटेंड्स इट मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा निकालना, ठीक है, एब्सोल्यूट मिनिमा देखना है किस पॉइंट पे है, इंटरवल हमें जीरो से टू पाई दिया है राइट, एफ डैश एक्स बताओ एफ डैश एक्स कितना होगा, टू कॉस टू एक्स, टू कॉस टू एक्स यही ना, हाँ सर, पुट करेंगे एफ डैश एक्स को जीरो, टू कॉस टू एक्स को क्या पुट कर देंगे जीरो, ठीक है, टू कॉस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से कितना आ गया बताओ, टू एक्स इज इक्वल टू कॉस कहाँ पर जीरो होता है, फाइव बाई फोर, फाइव बाई फोर पे जीरो होता है, कॉस नाइनटी पे जीरो होता है, या फिर 270 पे जीरो होता है, ठीक है, cos 90 पे जीरो होगा, 270 पे जीरो होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर जीरो होगा फिर यहाँ जीरो होगा, इसमें 180 और जोड़ दो, ठीक है, 270 में 180 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 450, 450 पे जीरो होगा, और फिर कितने पे जीरो होगा 540 पे, 540 पे जीरो होगा, एंड सो ऑन, ठीक है, आगे के पॉइंट लिखने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा इंटरवल जीरो से टू पाई है, जीरो से 360 है, देखो यहाँ से एक्स क्या आ गया, ये तो हो गया 45 डिग्री, एक्स तो ये 45 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया 135 डिग्री, 135 कितना होता है 35/4, ठीक है, 35/4, 450 कितना होता है पाई के टर्म में, सो 450 क्या आएगा, 2 पाई 360 ना, 2 पाई 360 होता है, हम तो x को देख रहे हैं ना, x x कितना हो गया 45 हो गया, 135 हो गया, इसको 2 से डिवाइड करो, 225 हो गया, और ये कितना हो गया 270, हाँ लिखा तो ठीक है ना, 90 पे जीरो होता है, 270 पे जीरो होता है, हाँ सर, 450 पे जीरो होगा और यहाँ पर जीरो होगा, 540 पे जीरो होगा, ठीक है, ये ठीक है, तो ये होगा 35/4, ये कितना होगा 225 कितना होगा बोलो इसमें कोई कंफ्यूजन है तो, हमें वैल्यू लिखनी थी जीरो से टू पाई के बीच में, तो ये तो क्योंकि टू एक्स की वैल्यूज है तो ये जीरो से फोर पाई के बीच में लिखी थी हमने, बाद में यहाँ से सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू निकाल ली, और ये सारी वैल्यू जीरो से 360 के बीच में है, समझ रहे हो, एक्स की वैल्यू जीरो से 360 के बीच में होनी चाहिए, तो टू एक्स की वैल्यू क्या थी, जीरो से 720 के बीच में थी, अच्छा ये वैल्यूज हो गई, इन सारी वैल्यूज पे एक्स क्या होगा, एफ एस एक्स जीरो होगा, अच्छा हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या तो लोकल मैक्सिमा पे जीरो होती है, या लोकल मिनिमा पे, या फिर लोकल मैक्सिमा पे, या फिर इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे,
इंटरवल के एंड पॉइंट तो ये रहे हमारे, और चार हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है। तो फंक्शन की अगर कोई मैक्सिमम वैल्यू है तो या तो वो क्रिटिकल पॉइंट्स पे होगी या इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे। तो इन चारों पे हम फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं। f0 फंक्शन की वैल्यू जीरो पे कहाँ आएगी, साइन जीरो, जीरो होता है साइन जीरो, क्या होता है जीरो, ठीक है। और अगर 2π पे निकालें तो कितनी आएगी, साइन 2π भी जीरो होता है, यहाँ डालेंगे तो 4π बन जाएगा, और साइन 4π क्या होता है, जीरो ही होता है, ठीक है। साइन जीरो भी जीरो होता है और साइन 4π भी जीरो होता है। अच्छा अगर यहाँ पर 5/4 को यहाँ डालोगे आप, निवेश क्या वैल्यू आएगी, 5/4 को अगर वहाँ डालोगे तो क्या वैल्यू आएगी, साइन ऑफ 2 × 5/4 क्या बन गया, साइन 5/2, क्या होता है दिवेश साइन 5/2, दिवेश को नहीं पता साइन 5/2 क्या होता है सर, पता है f(3π/4) यहाँ डालोगे साइन में, साइन ऑफ 2 × 3π/4 कितना बन जाएगा, साइन 3π/2। अनिरुद्ध बताओ साइन 3π/2 क्या होता है, अनिरुद्ध एक सेकंड कैलकुलेट करना है। साइन 270, साइन 90 पे वन होता है और 270 पे माइनस वन। उसके बाद है 5π/4, f(5π/4 यहाँ डालोगे साइन में, साइन ऑफ 2 × 5π/4 साइन ऑफ कितना आ गया, 5π/2 साइन 5/4 होगा, इसको क्या लिख सकते हो, हाँ 1 होगा, इसको लिख सकते हो 2π + π/2। देखो एलसीएम लेके 4π + π, 5π/2 बनता है। साइन 360 + थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन 5/2 आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो साइन 5/2 हो गया 1। तो साइन ऑफ 5π/4 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब बच गया हमारे पास 3π/2, ठीक है, f(3π/2) दिस इज साइन ऑफ 3π/2 क्या डालेंगे इसको, साइन ऑफ 2 × 3π/2 ये साइन 3π आ गया, साइन कुछ भी पाई हो, साइन एनी पाई जीरो, सो साइन 3π भी क्या होगा, जीरो। अब देखो वैल्यू हमारे पास जीरो आई या वन आई है या माइनस वन है, यहाँ पर वन है यहाँ पर जीरो, तो जीरो वन और माइनस वन तीन ही वैल्यू आई है, जीरो वन और माइनस वन, तो माइनस वन सबसे कम वैल्यू है, ये सबसे लोवेस्ट वैल्यू है, तो कहाँ पर आई है, 3π/4 पे। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एक तो ये है वन और एक ये है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है वन, वो कहाँ पर है, 5π/4 पे। समझ आया, क्वेश्चन में क्या पूछा था, मैक्सिमम पूछा था जब, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है बताओ, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है, 2 पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू वन है एट x = कहाँ पर, 5/4 पे और 5π/4 पे, दो जगह पर मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है, दो जगह पर मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। चलें आगे, यस सर, टेंथ क्वेश्चन।
टू एक्स क्यूब माइनस 24x प्लस 107 इन इंटरवल ऑफ 1 2 3। इंटरवल क्या दिया आपको? 1 2 3। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू इन दिस इंटरवल, और मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है -3 से -1 के बीच में। मिनिमम वैल्यू कहाँ फाइंड करनी है? -3 से -1। एफ एक्स इज दिस, ठीक है? एफ एक्स दो इंटरवल है, एक है दो इंटरवल है। इस इंटरवल पे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, इस इंटरवल में मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन हमें दिया हुआ है, ठीक है? एफ एक्स क्या हो गया? एफ डैश एक्स क्या हो गया? एफ डैश एक्स क्या हो गया? 6x² -24 क्या करेंगे? पुट करेंगे एफ डैश एक्स को, 0। सर कॉमन ले लेते हैं ना 6 को, इजी हो जाएगा। दिस इज 6x इनटू x माइनस 4, ये 24 आएगा सर, खाली 24 आएगा। ठीक है, x² - 4। यस सर। क्या आ गया यहाँ से? x² - 4 = 0, x = ±2। दो वैल्यू आ गई। अब देखो हमें मैक्सिमम वैल्यू देखनी है इस इंटरवल में, ठीक है ना? मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल में देखनी है। एक्स बिलोंगिंग टू 1 2 3, एक्स अगर 1 से 3 में बिलोंग करता है तो क्रिटिकल पॉइंट तो हमारे पास एक ही होगा उस केस में, 2। -2 तो इसमें होगा ही नहीं। तो हम फॉर मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए कर रहे हैं? हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मैक्सिमम वैल्यू के लिए कर रहे हैं, ठीक है? तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर निकालेंगे? 1 पे निकालेंगे, 2 पे भी निकालेंगे और 3 पे भी निकालेंगे, -2 पे नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे -2 पे? क्योंकि -2 इस इंटरवल में लाई ही नहीं करता, हमें सिर्फ इस इंटरवल पे देखनी है मैक्सिमम वैल्यू। निकालो जरा कितनी आती है। एफ एक्स के अंदर एक्स को 1 रखेंगे, 2 - 24 + 10 सर 85 आएगा, 85। तो ये आ गया -22 + 107, कितना आ गया? 85 आ गया। एफ टू निकालो, एफ टू निकालो सर 89 आ रहा है, 89। एफ थ्री निकालो, नहीं सर 89 नहीं है, 75 है सर, 75 होगा वो, एफ थ्री है सर, 75 होगा। कहाँ से देख के बोल रहे हो? सर नहीं, मैंने सॉल्व गलत कर लिया, पहले 3 का करा था इसलिए वो 2 की जगह बोल दिया। ऐसी गलती भी कभी होती है, कहीं से देख के बोल रहे हो या आपको 2 भी निकला हुआ है? सर मैं आपको नोटबुक दिखा देता हूँ सर, आप नोटबुक देख निकला हुआ है, गलती आप नोटबुक देख लो सर, गलती से ये वाला देख लिया ये बोल दिया नोटबुक में। सर जो सामने सबसे पहले सॉल्व करा वो बता दिया आपको, नोटबुक में कहीं से देख के भी तो लिखा जाता है सर। नोटबुक सर खाली नोटबुक और एनसीईआरटी भी नहीं है आज। एफ थ्री क्या आया? ये कितना आ रहा है? एफ टू क्या आ रहा है? 75। एफ थ्री 89। सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी एफ थ्री? मैक्सिमम वैल्यू इज, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इज 89 एट कहाँ पर? x = 3, ठीक है? मिनिमम वैल्यू क्या होगी?
अच्छा मैक्स वैल्यू देखनी थी बस। अच्छा अब इंटरवल लेंगे तो कौन सा, ठीक है इंटरवल कौन सा लेंगे, एक्स बिलोंगिंग टू माइनस थ्री टू माइनस वन, माइनस थ्री से माइनस वन, ठीक है इंटरवल कौन सा लेंगे माइनस थ्री से माइनस वन का, ठीक है एंड इस इंटरवल में माइनस थ्री से माइनस वन का इंटरवल, इस इंटरवल में क्रिटिकल पॉइंट हमारे हो गए एक तो माइनस थ्री, एक माइनस वन और एक क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा माइनस टू। इन तीन पॉइंट्स पे वैल्यू देखनी है, निकालो फटाफट। ये किसके लिए, मिनिमम वैल्यू के लिए फोर्सले का होगा माइनस 125, नहीं नहीं प्लस 125 प्लस, बाकी भी निकालो। निकालो जल्दी निकालो। जल्दी करो बच्चों, सर एफ ऑफ माइनस थ्री 125 है। एफ माइनस वन निकालो। माइनस टू भी बताओ। सो 129 माइनस 1 ये भी 129 है, नहीं 139 सर एक सेकंड निकाल रहा हूँ, माइनस 2 39 होगा, 139 तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये 125 ये 129 है, ये मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू 125, वैल्यू इज 125 एट कहां पर, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, ये आपकी मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है मिनिमम वैल्यू आ गई माइनस थ्री एट सर माइनस टू पे 139 आ रहे, ठीक है मिनिमम वैल्यू माइनस वन थ्री, माइनस थ्री पे होगी तो कितनी होगी 125, मिनिमम वैल्यू इज 125 एट माइनस थ्री, ठीक है। 11th क्वेश्चन देखो, इट इज गिवन दैट एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स क्या है वन है, ठीक है एक्स इज इक्वल टू वन फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया एक्स फोर माइनस 62x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9 अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू, ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। इट इज गिवन दैट
at x is equal to 1, function this attains its maximum value. 1 के ऊपर इस function की maximum value है in the interval 0 से 2. 0 से 2 के interval में 1 के ऊपर इस function की maximum value है. एक बार बताओ अनिरुद्ध, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करती है? क्लोज्ड इंटरवल पे. मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है फंक्शन की? जहाँ पे आई थिंक जहाँ डेरिवेटिव जीरो होता है फ्रेश एक्स. हाँ, मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की या तो इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे होती है. हाँ सर. या जहाँ कहाँ होती है? क्रिटिकल पॉइंट्स पे, जहाँ पर एफ डैश एक्स जीरो होता है. फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू या तो इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे होगी या फिर कहाँ पर होगी? जब इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे या क्रिटिकल पॉइंट पे. अब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ दी हुई है? वन पे. यस सर. अब वन इंटरवल के एंड पॉइंट्स में तो नहीं है, तो फिर वन पे मैक्सिमम होने वैल्यू होने का मतलब क्या है? तो डेरिवेटिव का वैल्यू वन पे जीरो होगा. इसका मतलब वन ये हुआ कि क्रिटिकल पॉइंट वन है. मैक्सिमम वैल्यू दो ही जगह होती है, या तो इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे या क्रिटिकल पॉइंट्स पे. भाई इंटरवल के एंड पॉइंट्स तो ये रहे, इसमें तो वन है नहीं, और वो ये हमें पता है कि वन के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू है, राइट? तो फिर वन क्या बन गया? क्रिटिकल पॉइंट बन गया ना. नहीं समझे भाई? इंटरवल के एंड पॉइंट हो गए ए और बी, या तो मैक्सिमम वैल्यू ए बी पे होती है या फिर कहाँ होती है? क्रिटिकल पॉइंट्स पे. अब वन के ऊपर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, तो वन इंटरवल के एंड पॉइंट्स में तो है नहीं, और वन पे मैक्सिमम वैल्यू है, तो फिर इसका मतलब वन क्या है? क्रिटिकल पॉइंट है, तभी तो वन पे मैक्सिमम वैल्यू आई. नहीं समझे इस बात को? हाँ सर. आ गया देवेश. यस सर. नहीं समझे सर? थोड़ा सा समझा. क्या थोड़ा सा क्या समझे बताने जरा सर? कि वही कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू वन हो जाएगी. मैक्सिमम वैल्यू वन हो जाएगी, ये समझे आप? बहुत बढ़िया समझे. मैक्सिमम वैल्यू वन हो जाएगी, कहाँ लिखा है? सर मतलब जो एफ ऑफ वन है वो क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा. बहुत बढ़िया, अच्छा समझे. जान आपको समझ आया? जान हाँ सर. क्या समझ आया बताओ? सो कि जो जो इंटरवल दिया हुआ है वो ओपन ब्रैकेट में दिया हुआ है? नहीं, क्लोज ब्रैकेट में दिया हुआ है. जीरो से टू क्लोज इंटरवल जीरो से. हाँ सर. जो क्लोज ब्रैकेट में दिया हुआ है तो मतलब उसमें तीन पॉइंट होंगे, वन और टू, और फिर वैसे एक वैल्यू निकाल सकते हैं. किसी भी फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो या तो जो इंटरवल दिया होता है उसके एंड पॉइंट्स पे होती है. किसी भी फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो या तो इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे होती है या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स पे होती है, ठीक है? किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या तो इस पे ए पे होगी या बी पे होगी या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स पे होगी. जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे वहां पर होगी, और कहीं नहीं हो सकती.